السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين. जी, सबसे पहले आप सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक इल्म तजवीद कोर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ मुहिबुद्दीन व शरिया कॉलेज से आपकी बहन बरीरा अता। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें मिलकर इस क्लास का बतौर ख़ास कुरान का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, जैसा कि कल हमने सबक पढ़ा था हुरूफे गुन्ना और मुशद्दद हर्फ, आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लें कि मुशद्दद हर्फ किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसा कलिमा या ऐसा हर्फ जिस पर शद होती है उसे कहते हैं मुशद्दद। तो शद की शक्ल कैसी होती है, ये आपके सामने शद की शक्ल आ रही है। ठीक है, शद की शक्ल तीन दंदानों वाली है। तो हरूफ की शद वाली हालत को तशदीद कहते हैं, और जिस हर्फ पर शद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। ये शद है, ठीक है, और जिस हर्फ पर, जब किसी हर्फ पर ये अलामत आती है तब इसे बोलते हैं तशदीद, और जिस हर्फ पर तशदीद आ जाए उस हर्फ को कहते हैं मुशद्दद। ठीक है, जैसे हर्फ पर हरकात हो जबर जेर पेश, तो हरकत की वजह से हम उसे कहते हैं मुतहर्रक, और सुकून की वजह से उसे कहते हैं साकिन। तो इसी तरह तशदीद की वजह से हम उस हर्फ को कहते हैं मुशद्दद। मुशद्दद का माना इस हर्फ को तशदीद दी गई है। ठीक है, फिर जैसा कि हमने कल भी देखा था मुशद्दद हर्फ को पढ़ना कैसे होता है, तो मुशद्दद हर्फ को दो बार पढ़ा जाता है, एक दफा अपने पहले हर्फ से मिलकर और दूसरी दफा अपनी हरकत के साथ पढ़ा जाता है। फिर मुशद्दद हरूफ की अदायगी में हमने किन चीजों से बचना है, हमने मुशद्दद हरूफ को खींचने से बचना है, यानी उसको बहुत ज्यादा लंबा करके नहीं पढ़ना। ठीक है, जैसे हमारे सामने मिसाल है ये अब्बा, तो इसको हमने अब्बा इस तरह से करके नहीं पढ़ना, बल्कि अब्बा है तो इसको अब्बा ही पढ़ेंगे। और अगर हरकात के बाद, ठीक है, हरकात के बाद यानी सबर जेर या पेश के बाद वाउ और या मुशद्दद आ जाएं, वाउ मुशद्दद या मुशद्दद, क्या माना कि अगर वाऊ और या पर शद आ जाए, कब, हरकात के बाद, यानी कोई हर्फ मुतहर्रक है, जबर वाला जेर वाला ये पेश वाला कोई हर्फ है, उसके बाद वाऊ मुशद्दद आ जाए या मुशद्दद आ जाए, तो वहां पर गुन्ना नहीं करना, लेकिन उन हरूफ को सख्ती से अदा करना है। जैसे ये मिसाल आपके सामने है, हमजा है ना, हमजा पर जबर आ रही है, जबर क्या है, हरकत, अब हरकत के बाद वाऊ मुशद्दद आ गई है, तो इसको हम सख्ती से पढ़ेंगे लेकिन गुन्ना नहीं करेंगे, जैसे अवल। ठीक है, यूं गुन्ना नहीं होना चाहिए लेकिन सख्ती करेंगे, अवल अवल। इसी तरह काफ पर हरकत है, हरकत के बाद या मुशद्दद आ गई है तो इसको भी सख्ती से पढ़ेंगे, قَيِّمَةٌ قَيِّمَةٌ قَيِّمَةٌ, इस तरह नहीं पढ़ना, قَيِّمَةٌ, इस तरह से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा तशदीद को पढ़ने का तरीका था। फिर हमने कल देखे थे हुरूफ़े गुन्ना दो थे, नून और मीम। ठीक है, तो अगर हम नून और मीम को
शद के साथ मिलाए, यानी अगर नून और मीम मुशद्दद हो, इन पर तशदीद हो, तो हमेशा ही इन पर गुन्ना करेंगे। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद, इन पर हमेशा ही गुन्ना होता है। और गुन्ना होता क्या है? नून या मीम की आवाज को नाक में रोकना, इसको कहते हैं गुन्ना, जैसे कल आपको पढ़ के बताया था। और इसकी मिकदार 2 हरकात के बराबर है। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। जी, जैसे हम हमारे पास अब ये मुशद्दद हर्फ है, ये मैंने सबक किसने निकाला कि ये हमारा मुशद्दद हरूफ का सबक है। इसी पर ही हम जो 2 हरूफ गुन्ना हमने पढ़े, मीम और नून, वो भी इसमें आएंगे, तो हमें वो भी इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मुशद्दद हर्फ कैसे पढ़ना है? इसको सख्ती से रुक कर पढ़ना है, लेकिन आवाज जारी रहनी चाहिए, आवाज बंद नहीं होनी चाहिए। जैसे अब्बा, ठीक है, अब्बा, अब्बी, अब्बू, अत्ता, अत्ती, अत्तू। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके पढ़ने का तरीका मालूम हो चुका है, इसलिए इस सबक को आप ही पढ़ेंगे। जी जी सबा, आप कीजिए माइक ओपन। सबा माइक ओपन करें। अच्छा, चलें, सबा की तरफ शायद कोई प्रॉब्लम है, तो यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम मैम, सॉरी। हाँ वाले, जी, पढ़िए। अब्बी अब्बू, यहाँ ना सख्ती ज्यादा करें, ठीक ठीक है। है, करें रुक कर अब्बा दो बार। हाँ, अब्बी अब्बू, अब देखें, मुझे सुने, अब्बा, अब्बी, अब्बू, फर्क है मेरे और आपके पढ़ने में। जी, पढ़िए। अब्बा अब्बी अब्बू, अत्ता अत्ती अत्तू, अस्सा अस्सी अस्सू। सख्ती जरा ज्यादा करें, ठीक है, फिर पता चलेगा कि आप सख्ती कर रहे हैं इस पर। ठीक है, अस्सा अस्सी अस्सू, अज्जा अज्जी अज्जू, अखा अखी अखू, अखा अखी अखू, अद्दा। खौ है ना, ये खौ, खौ मोटा है, अखौ, जी ठीक है, अखौ। अखवा अखी अखू, अद्दा अद्दी अद्दा अद्दू, सख्ती भी करनी है, रुकना भी है, ठीक है, अद्दा अद्दा। अद्दा अद्दा अद्दी अद्दू, अज्जा अज्जी अज्जू। सही, ठीक है, जजाकिल्ला, बारक मुहफिक, अल्लाहुम्मा सल्लि जजाकअल्लाह। वसल्लम। जी यास्मीन साहिबा, आगे आप पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रु अब आप मुझे ये बताइए, ये अस तीन तीन तरह से रॉ लिखी हुई है ना, तो इन रॉ जी को पढ़ने का तरीका बताएं, किस रॉ को मोटा पढ़ना है और किसको बारीक पढ़ना है। अजेर वाली रा को बारीक पढ़ेंगे और जबर और पेश वाली को मोटा पढ़ेंगे। सही, फिर आप इसको दोबारा पढ़ें। जी, अर्री अर्रू, सही, अज्जा अज्जी अज्जू, अस्सा अस्सी अस्सू, अशा अशी अशु, अथवा सही, अथवी अथु, सौद में सीटी का साउंड होता है।
सौद में सीटी का साउंड होता है। अस्सी असु अदा अदी अदु हमने जौत के बारे में क्या पढ़ा था? इसकी आवाज मोटी और मोटी। हाँ जी जमाओं मोटी। से मजबूती से अदा होती है, और वैसे भी ये ओके मुशद्दद है तो और भी सख्ती होगी। अदो अदी इसका ना मखरज क्या था? इसका मखरज क्या था? आपका मखरज नहीं सही बन रहा। इसका मखरज हमने पढ़ा था, जबान की मोटी साइड दाढ़ों से लगनी चाहिए। मैम आपकी आवाज कट गई, मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ, ज़ौद का मखरज ये था, ये है बल्कि, के ज़बान की मोटी साइड दाढ़ों से लगे, ठीक है, दाढ़ों से सख्ती से लगेगी तो ये ज़ौद अदा होता है। अजी अजू लेकिन कोशिश करें कि हरकत लंबी ना हो, खींचिए नहीं। ओके अल्लाह ओके अल्लाह अल्लाह अच्छा अजी अजू ठीक है यासमीन साहिबा, अच्छा जजाकिल्ला, बारक अल्लाह फीक, अल्लाह मजीद फजीद। जी, दुर्रे शहवार, आगे आप पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तो अत्ती अत्तू अज़ो अज़ी अज़ू आ आई आऊ अच्छा, इसमें ना तशदीद नहीं हो रही आपकी, सख्ती करें इस पर। आ आई आऊ अगो अगी अगू अफा अफी अफू अको अकी अकू अक्का अक्की अकू अल्ला अल्ली अल्लू। ठीक है, जजाकिल्ला, बारक अल्लाहु फीक, जज़ाकअल्लाह अल्लाह मजीद बाजी। फ़ज़ील। जी सायरा, आगे आप पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर वालेकुम सलाम। रहमान रहीम। अम्मा अम्मा अम्मी अब हमने यहाँ पर, हमारे पास वो भी आ जाते हैं हरूफे गुन्ना, नून और जी मीम। जब नून और मीम पर तशदीद होती है तो उन पर गुन्ना भी करते हैं, जी तो फिर हम इसको अब कैसे पढ़ेंगे? मैम, इनकी आवाज मतलब नाक में रुकनी चाहिए। अम्मा और गुन्ना की मिकदार 2 हरकात के बराबर। हम इसको जी पढ़ेंगे अच्छा। अम्मा अम्मी अम्मू अन्ना अन्नी अन्नू हाँ, लेकिन कोशिश ये करें हरकात को झटका नहीं लगे, ठीक है। जी अम्मी अम्मू अन्ना अन्नी अन्नू। जी अव अवी अभी हमने सबक के शुरू में पढ़ा था ना, जब जी हरकत के बाद वाउ और या मुशद्दद आए तो ऐसे नहीं करना कि जैसे गुन्ना कर रहे हो ना, इस तरह नहीं करना, अलबत्ता सख्ती करेंगे। हम इसको जी पढ़ेंगे आउवा आउवा, ऐसे नहीं बल्कि आउवा। जी अव अव अवी अव अह
आही आहू, अय्या अय्यी अय्यू। ठीक है, जजा किल्ला घर मोहफिक अल्लाह मस्जिद फसिद। ठीक है, अब हम इसकी मश्क करते हैं। ठीक है, अब देखिए मश्क में हमें क्या करना होगा, जब हम किसी ऐसे हर्फ पर वक्फ करें जहां पर तशदीद आ रही है, तो वहां वक्फ करते वक्त हमें बहुत ज्यादा एहतियात करनी है कि वहां पर लफ्ज अगर हुरूफ कलकला के अलावा वाला है ना, तो वो हिलना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कलकला वाला है, मुशद्दद भी है, कलकला वाला भी है, तो फिर वहां कलकला ज्यादा होता है। ठीक है सायरा, आप ही स्टार्ट कीजिए इसको। बाकी तो आपको बाकी वक्फ करने के तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारे रूल उसूल मालूम हो चुके हैं। पढ़ें, वक्फन भी पढ़ना है और वसलन भी। जी मैम। हब्बातिन हब्बातिन हब्बा, यत्ताबिउ यत्ताबिउ यत्ताबि यत्ताबि। हाँ, लेकिन ना जैसे तशदीद को पढ़ना चाहिए ना, अभी आपका वैसे नहीं हो रहा। इस जी पर मैम। आप सख्ती करें और रुकें, यानी पूरी तरह से दो बार इसकी आवाज आए। हब्बा हब्बतिन हब्ब यत तबियु यत तबियु। जी मैम। हाँ, याबुसु सही, लेकिन ये था है ना, तो इसमें सीटी का साउंड नहीं आना चाहिए। जी मैम। याबुसु याबुस ठीक, हुज्जातुन हुज्जा हुज्जातुन हुज्जा सुज्जादन सुज्जादा कैसे इसको पढ़ेंगे, कितना लंबा सुज करेंगे आखिर पे वक्फन। दो हरकत बराबर अच्छा, सुज्जादा हम सुज्जादा। हाँ, क्या तरीका हो रहा है यहाँ पर वक्फ करने का, दो जबर पर वक्फ कर रहे हैं, तो क्या तरीका लग रहा है यहाँ। उस टाइम एक जबर हट जाती, एक ही जबर पड़ी जाती है। सही, ठीक है, इस वक्फ का नाम क्या होगा। भूल गया मैं, कुछ देखिए, था उतर गया। ये था दो जबर, हमने दो जबर को एक जबर से बदल दिया। ठीक है, इसलिए इस वक्फ का नाम होता है वक्फ बिल इब्दाल, अच्छा, जहां ये पर हरकात खत्म हो जाती हैं, हर्फ साकिन हो जाता है, उसे बोलते हैं वक्फ बिल इस्कान। लेकिन यहाँ पर हमने दो जबर को एक जबर से बदला है, इसलिए यह है वक्फ बिल इब्दाल, इब्दाल का माना है बदलना। जी मैम। इसी तरह जब हम गोल ता पर वक्फ करते हैं, तो ये साकिन हा में बदल जाती है ना। तो यहां भी गोल ता पर वक्फ भी वक्फ बिल इब्दाल होता है। जी मैम। सही, आगे अगली लाइन। तअख्खरा तअख्खर। अच्छा, यहाँ पर रॉ को हम बारीक पढ़ेंगे या मोटा पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे वो क्यों। क्योंकि रा जब साकिन हो जाता है उससे पहले जबर होती है, तो रा को पुर पढ़ते हैं। सही, ठीक, युकद्दीरु यहां पर आपने रॉ को बारीक क्यों युकद्दीर। पढ़ा। यहाँ रा साकिन से पहले जेर है, इसीलिए यहाँ बारीक आएगा।
ठीक मुअज्जिनुन मुअज्जिनुन मुअज्जिन। है. सही. मअर्रतुन मअर्रतुन कोशिश करें रा को मअर्रतुन सही से पूर्ण करें. मअर्रतुन मअर्रतुन मअर्रा। ये कौन सा वक्फ है यहां पर हो रहा? ये ये वक्फ बिल अगदाल जो अभी बताया इब था इबदाल. ठीक है, इबदाल. सबा है हाँ जी में वक्फ बिल इब्दाल। अच्छा, मैं कोशिश करूं जरा यहाँ पे लिख के देखने की. कल कल बैठ मुश्किल क्या हो जाता है. चलें. अच्छा, वक्फ बिल इब्दाल इसका नाम है, समझ आ गई है. पता नहीं जी। क्यों यहाँ मुझसे लिखा क्यों नहीं जाता. बा है मुझे गा समझ आया था इब हाँ इब इब बा। चलो, ऐसे मैं लिख के कोशिश करती हूँ देखने की. ये है बात हाँ को खत्म. चलिए, अब आपको समझ आ गई है ना. इसको मैं दोबारा देखती हूँ कैसे लिखना है इसको. जी पढ़िए. तनज्जलु तनज्जल तनज्जल हाँ, यहाँ पर कौन सा वक्फ हो रहा है? तनज्जल यहाँ हो रहा है वक्फ बिल इस्कान। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको इब्दाल लिख के दिखा दूँ. वक्फ बिल इब्दाल, ये लिखेंगे हम. ठीक है, वक्फ बिल इब्दाल. वक्फ बिल इब्दाल कहाँ कहाँ होता है, नजर आ रहे जो मैंने लिखा है वक्फ बिल इब्दाल? जी जी मैम सही, ये कहाँ कहाँ होता है? जहां लास्ट वाले हरूफ पे दो तनवीन हो दो जबर हो या दो जेर दो पेश वहां वक्फ होगा वहां वक्फ। दो पेश नहीं, दो पेश हो तो दोनों पेश खत्म हो जाते हैं ना, हर्फ साकिन हो जाता है. दो जी जेर मैम हो तो दोनों जेर खत्म हो जाते हैं, हर्फ साकिन हो जाता है. लेकिन जी दो जबर पर हम दो जबर को एक जबर में बदलते हैं, बदलने की वजह से, हरकत के बदलने की जी वजह से मैम वक्फ बिल इब्दाल. इसी तरह अच्छा गोलता है, गोलता को जब हम किसी दूसरे हर्फ से बदल देते हैं ना, यानी जब हम जी मैम गोलता पर वक्फ करते हैं तो इसे साकिन हा से बदल देते हैं, यानी एक हर्फ दूसरे हर्फ से बदल जाता है, इसलिए फिर यहाँ भी वक्फ बिल इब्दाल होता है. ठीक हो अच्छा गया? अच्छा जो मार रहा तो हमने पढ़ा ये इसका नहीं आएगा हर वक्त हाँ, बिल यहाँ इसकान ही आएगा. यहाँ भी मअव्वल पर इसकान, अच्छा तनज्जल पर इसकान, मुअद्दिन पर इसकान, युकद्दिर पर इसकान. ठीक जी मैम जी है. सही. ठीक है सायरा, जज़ाकिल्ला, बारकल्लाहु फीक. जी, जज़ाकअल्लाह। अगली दो लाइनें पढ़ें. दुरे शाहवार आप पढ़िए. जी बाजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तयस्सरा तयस्सर देखिए, रा पर ना थोड़ा सा आपका हिल गया है, कलकला की तरफ जा रहा है. तयस्सर तयस्सर सही. खुशअन खुशअ खुशअ। यस. कौन सा वक्फ है यहां पर? यहाँ पर हमारे पास वक्फ बिल अब्दाल अबदाल नहीं, इबदाल. ठीक इब्दाल है. वक्फ बिल इब्दाल। ठीक है, आगे.
गुस्सतिन, गुस्सा। तो ये कौन सा वक्फ होगा? यहाँ पे हमारे पास दो जेर है, तो दो जेर जो है तो वो खत्म हो जाती है, और ये जो ता होता है वो हा में बदल जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास भी वक्फ फिल इब्दाल होगा। सही, बोलता साकिन हा में बदल जाता। फिजतिन, फिजा। अच्छा, ये सौद और जाद को ना सही से मोटा अदा करें। फिजोतिन, फिजो। सही। तत्तुलिउ, कैसे? तत्तुलिउ, तत्तुलिउ, सही। तत्तुलिउ, तो की जबर क्यों नहीं पढ़ रहे आप? तत्तुलिउ। तो परेशान मेरा है ना, इसके तो मेरा परेशान इस है, तो को 2 बार पढ़ेंगे। मखरज मेरा इसके मखरज के लिए ख्याल था, तो हाँ। तत्तुलिउ, नो, तत्तुलिउ। नहीं, आप तो लाम पर भी तशदीद लगा रही हैं। तत तोलियो। तत्तुलिउ, तत्तुलिउ, तत्तुलिउ। सही। यहां पर कौन सा वक्फ है? ठीक यहाँ पे वक्फ पे इस्कान है। है। खज़न, खज़ा। ये तो हाँ है, आप भी खा पढ़ रही है इसको। हाँ, حزن، حزن، بجي اب ठीक है। सही। يدعو، يدعى، दोबारा से पढ़े इसको। يدعو، يدعى، क्या हो गया? पेश पर वक्फ कैसे करना है? पेश बाजी इसको साकिन नहीं करेंगे। साकिन तो करेंगे ना, हर पेश को खत्म करके हर को साकिन करेंगे, लेकिन आप कैसे पढ़ रहे हैं? दोबारा पढ़ें। يدعو، يدعو، हाँ, एक तो आइन की तशदीद को सही पढ़ना है हमने। यदुउ आइन 2 बार पढ़ा जाएगा। सख्ती और रुके, सख्ती भी करनी है, रुकना भी है। यदुउ यदुउ, फिर वक्फ की सूरत में यदुउ 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 जी बाजी। يدعو، यदुउ, يدعو، नहीं यदुउ यदुउ, जैसे या जबर या दाल पेश आइन, क्या बनेगा? दो दो फिर आइन पेश उ, क्या पढ़ेंगे? यदो यस, यदो यदो यदुउ। यदो यदो दान, यहाँ पे भी ऐन की तशदीद तो पढ़ ही नहीं गई। दान, सही। दान, दान। दान, 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 सही। صفا، 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 सही। حقا، حقا، अच्छा, यहाँ कोशिश करें ये तन्वीन पर गुन्ना नहीं करें, ठीक है? गुन्ना जी होता बाजी। है तन्वीन पर, लेकिन उसकी कुछ वजूहात होती हैं, तब होता है, ऐसे नहीं होता, ठीक है?
जी बात, ये जी कोई बात, रीजन ऐसी नहीं है कि यहाँ पे गुन्ना। जी। दोबारा पढ़िए। हकन, हकन, ये दांत की आवाज फिर जा रही है, हकन। अब ठीक है, हकन, इसको आप पढ़ेंगे हक पन, बस हक पन, हक हकन, पन हकन, पन हकन, करते हैं ना तो आवाज लंबी हो जाती है, गुना की तरफ चली जाती हकन, है। लेकिन मोटा हक, करे इसको, मोटा रहे। हकन, हक, सही। दक्कतन, दक्का, हाँ, अब देखें, आपने बोला दक्कतन, इसको बोलेंगे दक्कतन, दक्कतन। जी बाजी, दक्कतन, दक्का, मुसल्लमतुन, मुसल्लमतुन, मुसल्लमा, हाँ, जब आपने तुन कहना है ना, तुन फौरन छोड़ रहे इसको, तुन ये गुन्ने की तरफ जा रहा है, मुसल्लमतुन, जी बाजी, मुसल्लमतुन। मुसल्लमतुन, मुसल्लमतुन, मुसल्लमा, मुअल्लमतुन, नहीं, मुअल्लमुन, मुअल्लम, उम्मतुन, उम्मा, हाँ, अब यहाँ पर मीम मुशद्दद आ रहा है ना, तो यहाँ मीम मुशद्दद पर हम गुन्ना करेंगे। जी बाजी। ये बाजी जो ये पॉइंट है ना कि अगर हमारे पास जो है तो ये मीम और वाव आ जाए तो कहाँ पे गुन्ना करेंगे कहाँ पे नहीं, मुझे इसकी समझ नहीं आई। जब आपने पीछे भी पढ़ाया तो आप एक बार फिर रिपीट कर दें ताकि मुझे समझ आ जाए इसकी। ठीक है। हमने कहा कि जो गुन्ना वाले हरूफ है ना, वो दो हैं, मीम और नून। तो जब उन पर शद आ जाती है ना, हमेशा वहां पे गुन्ना करना है। ठीक है, फिर हम इसको पढ़ते हैं, उम्मतुन जुन्नतन। ठीक है, जी लेकिन अगर हरकत के बाद वाउ मुशद्दद आ जाए, जैसे ये आदुवुन है ना, आदुवुन। अब यहाँ हरकत आ रही है दाल पर, हरकत ही है नहीं, पेश पेश हरकत में से जी ही है ना। इसके जी बाद बाजी, वाउ मुशद्दद आ गई है। अब इसको पढ़ते वक्त हमने गुन्ने का साउंड नहीं बनाना, जैसे अदोन, ऐसे नहीं पढ़ना इसको। इसको हमने पढ़ना है, सख्ती से पढ़ना है, रुकना है, लेकिन अदोन ये नहीं, बल्कि अदोन, अदोन इस तरह से पढ़ना है। फर्क आ रहा है ना, उम्मतुन अदोन। यहाँ पे गुन्ना नहीं करना, यहाँ पर करना। जी अगर गुन्ना यानी मीम और नून, गुन्ना के हरूफ यानी मीम और नून पर शद आ जाए तो उस पे गुन्ना करेंगे, लेकिन अगर जी वही वाले अल्फाज हों लेकिन उनसे पहले या उन उनसे पहले नहीं उनके बाद अगर हमारे पास वाव मुशद्दद आ जाए तो फिर हम उनका गुन्ना हटा देंगे, किनका? मतलब उनका उन पे गुन्ना नहीं करेंगे हाँ, वाउ हरूफ पे। मुशद्दद और या मुशद्दद पर गुन्दा नहीं करें। जी ठीक, असल में ना, यहां पर भला ये क्यों बताया गया है? क्योंकि आप जब आगे आगे मजीद कवायद पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आ जाता है ऐसे कि जब वाऊ या मुशद्दद होते हैं ना, तो वहां गुन्ना भी करते हैं। ठीक है, जी वहां गुन्ना बाजी, भी करते हैं, लेकिन वहां पर वाऊ मुशद्दद और या मुशद्दद जो होते हैं ना, वो हरकत के बाद नहीं आ रहे होते। ये फर्क है। इसको थोड़ा अभी जब हम उस कायदे को पढ़ेंगे ना, तब हमें इस कायदे की ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर हम अभी से सारा समझने की कोशिश करेंगे ना, हम खुद ही परेशान हो जाएंगे। ठीक जी है, बस। बाजी ऐसे होता है कि हम बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो फिर हाँ, जो बेसिक होता है वो हमसे रह जाता है रह या कुछ जाता है। ऐसी चीज रह जाती है जो बिल्कुल कॉमन होती है, लेकिन हम बिल्कुल, किसी और की तरफ बहुत फोकस कर रहे हैं तो फिर वो नहीं आ रही होती। हाँ। बस अब आपने यहाँ पर सिर्फ यही समझे
ये दाल पर पेश आ रही है ना, इस पेश को कहा गया है हरकत। हरकत के बाद जब वाव मुशद्दद और या मुशद्दद आते हैं तो यहाँ वुन्ना नहीं करते। ठीक है, सही है। जी आप ये वाला पढ़ें। जुन्नतन जुन्नतन जुन्ना, सही। ये कौन सा वक्फ हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे वक्फ बिल इब्दाल हो रहा है। वक्फिल इब्दाल, ठीक हो गया। ठीक है दुरशावान, जज़ाकिल्लाह, बारक मोहफिक, अल्लाह मजीद फिर। अगर जी अब पढ़ेंगे यास्मीन साहिबा, आप पढ़िए। बिस्मिल्लाह। अदूबुन अदूब ओतुब विन इसको दोबारा से ओतुब पढ़िएगा, नहीं आप इसको दोबारा से पढ़ें, वसलन भी और वक्फन भी। अदूबुन अदूब सही, गुड। ओतुब विन उतिब उतुब मुतहरतन मुतहरा। यास्मीन जी, यहाँ पर कौन सा वक्फ हो रहा है? यहाँ पर वक्फ बिल इब्दाल सही, ठीक वसीयातन वसीया। है। हाँ लेकिन या को मोटा ना करें। जी वसीयतन, वसीय, सख्ती, रुके, जी वसीय। वसी वसीयातन वसीया। ठीक, कई कईमा तुन कईमा। कोशिश करें आखिर पे हा का साउंड वाजे हो। ठीक है, पय्यिमा, जी कई पय्यिमा। कईमा तुन कईमा। सही। गनी यून गनी गनी नहीं, नहीं नहीं गनी यून गनी यू नहीं मैं गनी गनी यू नहीं दोनों पेश खत्म होते हैं ना, वक्फन तो दोनों पेश खत्म होते हैं, अच्छा हर्फ साकिन होते हैं, अब ये साकिन हो रहा है जी तशदीद के साथ। गनी जी। तो इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे जैसे बस आपने इसको पढ़ा था ना, गनी अदुवुन अदुव, यू ऐसे ही इसको पढ़ेंगे, गनी युन, गनी गनी गनी। गनी यून गनी अगर हम इसको गनी पढ़ लेंगे ना, गनी गनी, तो फिर इसकी तो तशदीद खत्म हो रही है ना, ये तो फिर या साकिन से जी पहले जेर, तो याए मद्दा बन जाती है, वो तो ये याए मद्दा नहीं है। ठीक जी है। वलीशियुन वलीश सही, कवीशियुन कवी कवीश सही। कवि, दुर कवि, कवि। कवीश कवीशियुन कवीश दुर्रीशुन शाबाश। दुर्रीश हाँ दुर्रीश। हम फौरन फौरन ही लफ्जों को मिलाएंगे, ठीक है, रा और या के जी दरमियान वक्फा नहीं लाएंगे, वक्फन भी। दुर्रीशुन दुर्रीश सही, लु लुजीशिन लुजीश। सही, माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाह, यस बारक यस फीक, अल्लाह मजीद फजीद। चलें ये लाइन हम सबा से सुन लेते यस हैं। चलिए शुक्रिया मैम। दोबारा से सबा, दोबारा लड़के दो मैम यजक तशदीद हैं। जी यजक करू आप गौर करें, यजक आपकी राल की तशदीद नहीं पढ़ी जा रही। ओके मैम यजक करू
यस यजकर, देखिए, यतवफ। हाँ लेकिन तो है ना, ये तो आप इसको ता की तरह जी पढ़ रहे हैं, ये तो है, मोटा करें, और तो में ओके वैसे भी सख्ती होती है, ओके अब यहाँ तो है भी मुशद्दत। ठीक है। यतवफु पापर यतवफ। जबर, हाँ, जी मैम जबर। यत्वम् यतवफ यतवफ यशककु यशकक। अब यहां पर कौफ साकिन हो रहा है ना, तो साकिन कौफ के जी हरूफ में से हो जाता है। हरूफे मुस्तालिया। नहीं, वो तो कौफ चाहे साकिन है चाहे मुतहर्रिक है, वो मुस्तालिया में से ही है, लेकिन जब कौफ साकिन हो जाता है तो मुस्तालिया के साथ साथ और कौन सी किस्म बन जाती है? नहीं याद आ रहा मैम। हुरूफ कल कलम, सॉरी जी यशक कु यशक कक यशक कक। यश वकु, यश वकु, यशक कु यशक कक हाँ, कौफ को, यशक कौफ कक। का मुखरज भी देखिए ना, जबान की जी जड़ और इसके बराबर ऊपर का तालू, जी यश मैम को, यश वकु, यश वकु, यशक कु यशक कक। हाँ एम ये वक्फ बिल इब्दाल को दोबारा से एक्सप्लेन कर दें, मुझे ये समझ नहीं आया। ठीक है, अभी कर देते हैं। अच्छा यहाँ पर देखें, ये लफ्ज है उम्मतुन, जब हमने यहाँ वक्फ किया सबा तो क्या तब्दीली हुई यहाँ पर? जी मैम ये ता के ऊपर से दोनों पेश खत्म हो जाएंगे और ये साकिन हो जाएगी। मैं कैसे, फिर कैसे पढ़ना है इसको? उम्मा हा हाँ साकिन की आवाज निकलेगी। यस, हम बिल्कुल यहाँ पर ये कहेंगे, जब हम गोल ता पर वक्फ करते हैं तो तास, जो गोल ता होती है ना, उस पे कोई भी हरकत हो वक्फ की सूरत में वो साकिन हा में बदल जाती है। ठीक जी है, ता एक अलग हर्फ है, हा एक अलग हर्फ है, तो अब जी ता का हा से बदल जाना यानी कि एक हर्फ का दूसरे हर्फ से बदल जाना है, तो इसलिए इस वक्फ का नाम है वक्फ बिल इब्दाल। इब्दाल का माना है बदलना, तो चूंकि यहाँ पर एक हर्फ दूसरे हर्फ से बदल गया तो बदलने वक्फन बदला है ना, इसलिए फिर इस वक्फ का नाम है वक्फ बिल इब्दाल। समझ आई जी सभा? समझ आया आपको? सबा बताइए, आपको समझ आया? मेरी आवाज आ रही है? कोई बताए, मेरी आवाज आ रही है? जी बाजी आपकी आवाज आ रही है। जी ठीक इधर आ है रही है, शायद सबा का नेट इशू है। जी तो इसी तरह हक्कन है, हक्कन, जब हम वसलन पढ़ते हैं तब ये दो जबर के साथ ही पढ़ा जाता है, लेकिन जब हम वक्फन पढ़ते हैं, वक्फन वक्फ की सूरत में क्या होता है, ये जो दो जबर है ना, ये हम एक जबर से बदल देते हैं, तो यहाँ भी हरकात की तब्दीली हो रही है, तो इसलिए बदलने की वजह से इस वक्फ का नाम है वक्फ बिल इब्दाल। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सबक, हुरूफे गुन्ना और मुशद्दद हर्फ की अदायगी का तरीका। तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के फजल से आपको इसकी समझ आ गई है, बाकी यह है कि इसके प्रैक्टिस की हमें जरूरत है। अब मैं ये चाहती हूँ कि जितना हमने पढ़ लिया है ना, हम अब सुन्नत नबवी के मुताबिक यहाँ पर अपने इसबाग रोकें और
प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो अब हम इंशाल्लाह कल से एक एक सबक की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा फी दुनिया वल आखिरा। तो अब आप में से किसी का कोई सवाल है तो बताइए। बाजी कोई सवाल नहीं है। ठीक है, बारक अल्लाह फीकुम अजमाईन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह हाफिज़।